human here? I'm nobody. I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. This is not our war. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. How big can this guy be? He eats planets. So, like, way bigger than a planet. और जेंटलमैन क्या कूल चीज है ये देखिए, वाव। फोर के आउटपुट ले सकते हैं आप, ये देखिए कितना खास फंक्शन है इसमें। 4K आउटपुट है, HDMI 2, HDMI 1, डबल HDMI लगा सकते हैं आप, 4K का मज़ा भी ले सकते हैं। ये 4K कंटेंट चलाता है, यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं HDMI 1, HDMI 2, मतलब एक सिंगल में आपको चार चार स्पीकर मिलेंगे। और स्पीकर ये देखिए कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है, ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये मैं इसमें फिंगरे मार रहा हूँ, ये देखिए, और ये निकल आया बाहर। ये पता नहीं कपड़े जैसा लगा हुआ है, पता नहीं क्या सोनी ने लगाया है। ये देखिए क्या शानदार क्वालिटी है, देखिए कितना लाइट मार रहे हैं। और जेंटलमैन ये हैवी हैं, इसलिए कंपनी ने डबल वॉल हैंगिंग होल्स दिए हुए हैं। और ये है इसका सेकेंड एम्पलीफायर, वो है वायरलेस किट। तो ये है इसका दूसरा एम्प जो कि वायरलेस किट जिसको बोल देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्पीकर लगाए हुए थे, यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये है ग्रीन वाला, ब्लू रे डिस्क, डॉल्बी ट्रू HD, DTS HD, ग्रेस नोट। ये देखिए स्क्रीन आ गई है, वाओ। तो स्क्रीन मिररिंग भी हो गई है, अटैच करेंगे। ये जो ट्रेलर है प्ले करने वाला हूँ, आप देखिएगा ज़रा क्या धमाका करता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त। और ये वाईफाई से चल रहा है, इसी के अंदर है सारा कुछ। मेरे ख्याल से 7:30 बच गया भाई, हाथ डाल लिया मैंने, अभी कांड हो जाता क्योंकि मैंने सिर्फ खड़े ही रखे हैं। राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल जी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। सो जेंटलमैन क्या हाल हैं आपके। सो जेंटलमैन संडे है आज 2023, और जेंटलमैन ये 9th मंथ स्टार्ट हो गया है। और आज की वीडियो है जी सोनी के सबसे बेहतरीन मॉडल की, जिसके बाद सोनी ने होम थिएटर सीरीज बनानी बंद कर दी थी, फिर उन्होंने HD सीरीज शुरू की थी, मतलब ये डी एम्प जो थे इस सीरीज़ को बनाना इन्होंने बंद कर दिया था। ये लास्ट एयर बैंडर है, मतलब के लास्ट योद्धा वो सोनी का, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। इसके बाद फिर सोनी ने जो डी एम्प वाले होम थिएटर थे बनाने बंद कर दिए थे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, ये है सोनी का BDV 9200 W N9200 N9200 बोल देते हैं। और जेंटलमैन बहुत ही पावरफुल है, 1200 वॉट RMS का ये सेट है। और जेंटलमैन ये बिल्कुल फ्यूचर एडवांस्ड सेट है, इसमें जितने फीचर्स आपको मिलने वाले हैं दिल थाम के बैठिएगा जेंटलमैन। जिनके पास ये हैं वो इसकी तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि सेट ही कुछ ऐसा है, ऐसा बेहतरीन सेट है, बहुत ही जानदार है, शानदार है, ठीक है जी। सो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ इससे। सो सबसे पहले तो देखिए ये है जी इसका एम्पलीफायर, और ये है इसका सेकेंड एम्पलीफायर, वो है वायरलेस किट,
ठीक है जी, ओरिजिनल जो इसके साथ ही आती है, ये इसका मेन एम्प है। और जेंटलमैन क्या कूल चीज़ है ये देखिए, वाह, ऐसा लगता है जैसे पायलट अपने जेट जहाज़ को कवर खोल के बीच में बैठने की तैयारी कर रहा है, कुछ स्पेसशिप जैसा लग रहा है। जेंटलमैन ये है जी इसका पावरफुल बूफर, इसका सेंटर, ये है इसके चार स्पीकर जो कि वॉल हैंगिंग हो जाते हैं। जेंटलमैन कमाल की बात है, मैं आपको पास में ले चलता हूँ, ये फोर वेज हैं, मतलब कि इसमें नीचे जो स्पीकर लगे हुए हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के, और फिर इसमें ट्विटर, और फिर जैसे पुराने हाईफाई सिस्टमों में पीजो आता था, इसमें भी ये जो लगे हुए हैं। और क्वालिटी इसकी ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं फिंगर से दबा रहा हूँ, ये देखिए, ये है इनकी क्वालिटी। और जेंटलमैन बहुत ही शानदार पावरफुल सेट है, इसका सेंटर बहुत ही वजनीय है, भारी है, और जेंटलमैन बाग कमाल सेट है ये, ये देखिए इस पे लाइट पड़ते ही कैसे चमक रहा है, और उसी तरह से ये स्पीकर हैं। जेंटलमैन ये टॉवर्स आते हैं, टॉल बॉय मतलब कि इसके स्टैंड आते हैं, लेकिन जेंटलमैन ये बहुत ही बड़े होटल में ये सेट लगा हुआ था और इसके मुझे स्टैंड नहीं मिले, और जेंटलमैन ये जो सेट है मुझे एज इट इज़ ही मिला है। आप इनको वॉल हैंगिंग कर सकते हैं, और जेंटलमैन चलिए आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसका रिमोट है साथ में, तो सबसे पहले तो मैं सीडी की परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। मैंने एक हल्का शॉट डाला था, ये देखिए ये यहाँ तक चलता है, और ये टच डिस्प्ले है, और यहाँ पे देखिए नेवर टच द लेंस, ये ओपन क्लोज का है, ये देखिए कितना शानदार लगता है। यहाँ पे इसका टच डिस्प्ले है, और जेंटलमैन एम्प देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से उठा हुआ है, नीचे को यहाँ तक है, ये यहाँ तक छोटा है ये दोनों सिरे से, और हम इसमें अपनी MP3 डालेंगे, तो यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं इसको, एंड देन यहाँ पे इसको दबाते हैं, और लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको प्रॉपरली मैं दिखाऊंगा स्क्रीन के साथ, ठीक है जी। और चलिए अभी हम CD पे चलते हैं, जो हमने CD डाली है, ठीक है जी। तो ये आ गई है जी हमारी CD, और ओह नहीं, इसमें नहीं जाना, CD जो है आपकी यहाँ पे चलेगी, डाटा CD, ये देखिए। तो हम इसको ओके करते हैं, तो ये आ गए हैं इसके गाने MP3, चलिए प्ले करते हैं। तो ये जो गाना है मेरे दिल के करीब है, और शान की बात ये है भी इसका कोई कॉपीराइट भी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं आता, सो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। प्ले करते हैं, आपको इसका क्वालिटी सुनाते हैं साउंड का। करते हैं, ये देखिए जेंटलमैन ये टच डिस्प्ले है, और ये मिरर जो होता है
इस तरह की डिस्प्ले है, ये देखिए सोनी ब्रांड की हाई रेजोल्यूशन ऑडियो ये एम्प है। ये देखिए कितना शानदार है, सुंदर चमकता हुआ। इसमें आपको बहुत फंक्शन मिलने वाले हैं जेंटलमैन। और उसके बाद मैं इसमें आपको रेडियो की टेस्टिंग करवाऊंगा। सो चलिए रिमोट से मैं आपको, ये देखिए पहले आप होम बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट आप जो है सीधा मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो एफएम का मैं ओके कर देता हूं। तो मैं फ्रिक्वेंसी जो है चेक करता हूं, ये देखिए, और स्क्रीन देखिए कितनी सुंदर और शानदार आ रही है। तो चलिए मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, और जेंटलमैन क्या बाखूब इसकी परफॉर्मेंस है। एफएम की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, मतलब के शानदार, इतना ज़बरदस्त सेट है। साउंड की क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है, बेस इतना है। ये देखिए जेंटलमैन एक चीज़, यहाँ स्क्रीन पे भी और इसकी स्क्रीन पे भी, ठीक है जी। ये देखिए मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ एफएम की, 92.7 पे हम चलते हैं चंडीगढ़ का। जेंटलमैन साउंड करते हैं, तो जेंटलमैन इसमें आप सराउंड एफएम भी कर सकते हैं और क्लियर साउंड नोट्स भी कर सकते हैं 93.5। तो मैं आपको गाना नहीं सुनाने वाला, मैं जस्ट टेस्टिंग करवाऊंगा 94.। बहुत ही शानदार इसका जो है एफएम चलता है। उसके बाद जेंटलमैन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने आपको सीडी सुना दी, मैंने आपको एफएम सुना दिया, उसके बाद आप इसमें ब्लूटूथ का मज़ा भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे रहा। ये देखिए ब्लूटूथ, तो मैं अपना मोबाइल इसके साथ अटैच करता हूँ। सो जेंटलमैन ब्लूटूथ हम ओके करते हैं, तो ये आ गया है जी ब्लूटूथ। और यहाँ से हम जो है ब्लूटूथ फाइंड करेंगे तो हमारा जो होम थिएटर है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसका मॉडल नंबर है 9200, तो ये आ गया है। तो इसको हम पेयरिंग कर लेते हैं, और जेंटलमैन ये पेयरिंग हो रहा है, और ये हमारा जो फ़ोन है ये देखिए अटैच हो गया है। तो यहाँ पे जो फ़ोन है अटैच हो गया है, देन हम गाना प्ले करेंगे। तो जेंटलमैन मैं प्ले करने जा रहा हूँ ब्लूटूथ के ज़रिए, और मैं NFC से भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊँगा। जेंटलमैन बोफर की पावर इतनी ज़्यादा है कि ये जो स्पीकर है गिरने वाला था, यहाँ पे था मैंने रखा हुआ, और ये यहाँ पे आ गया सरक के, इतनी ज़्यादा बेस है। और जेंटलमैन ब्लूटूथ भी बहुत ही शानदार है इसका, बहुत ही खुल के चलता है।
और इसमें जो ट्रेबल आती है, जो नोट्स आते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें, जैसे स्टीरियो साउंड होता है, और आप 5.1 का भी मज़ा ले सकते हैं। अब हम इसमें एक मूवी प्ले करेंगे, तो चलिए, मैं इसमें वाईफाई है तो वाईफाई कैसे अटैच करना है सो ये मैं बताता हूँ। तो जेंटलमैन, बहुत ही खास खास चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें, तो आपको इंटरनेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने इंटरनेट पे जाना है, जैसे कि इसमें नेटफ्लिक्स ऑन करना है या यूट्यूब, तो हम हमारा प्यारा यूट्यूब जो है उसको ओके कर लेंगे। और जो हमारा ये जो होम थिएटर है, इसको वाईफाई के ज़रिए अटैच करेंगे, वाईफाई अटैच करेंगे। मुझे लगता है या तो ये हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो स्किप करते हैं, क्योंकि कई बार ये ऑटोमेटिकली भी उठा लेता है। सो देखिए, मेरा होम थिएटर ऑटोमेटिकली मेरे वाईफाई के साथ अटैच है। तो मैं आपको एक ट्रेलर जो है मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये वाईफाई से चल रहा है। तो जेंटलमैन, मैं ये जो ट्रेलर है प्ले करने वाला हूँ, आप देखिएगा ज़रा क्या धमाका करता है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये वाईफाई से चल रहा है, इसी के अंदर है सारा कुछ। जेंटलमैन, तो देखिए कितना ख़ास है ये। मैं फिर होम पे आ जाता हूँ, और मैंने आपको इसमें वाईफाई के ज़रिए यूट्यूब हमारा जो है चला के दिखाया है। और जेंटलमैन, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं अगर इसकी वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबी बन जाएगी। इसमें ये देखिए, ऑक्स मिल जाती है, ब्लूटूथ मैंने चला के दिखा दिया, स्क्रीन मिररिंग मिल जाती है, स्क्रीन मिररिंग चलिए करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो जेंटलमैन, स्क्रीन मिररिंग को हम ओके करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और जो हमारा फ़ोन है, हम इसमें जाके कास्ट, या फिर देखिए मेरा MI का फ़ोन है तो इसमें कास्ट लिखा हुआ आता है, आपके फ़ोन में शायद स्क्रीन मिररिंग लिखा है। तो ये देखिए मॉडल आ गया है, तो हम टच करेंगे, तो ये देखिए मेरा फ़ोन जो है अभी अटैच हो रहा है, और मेरा फ़ोन ये देखिए स्क्रीन आ गई है, वाओ। तो स्क्रीन मिररिंग भी हो गई है। एंड जेंटलमैन, हम कुछ भी चला सकते हैं, लाइक हमारा यूट्यूब जो है, हम ये देखिए यूट्यूब भी चला सकते हैं,
और आप कुछ भी मतलब के उस पे देख सकते हैं। मैं कुछ आपको चला के दिखाता हूँ, सो चलिए, जो कि नॉन कॉपीराइट हो। तो जेंटलमैन, जैसे मैंने अभी ट्रेलर दिखाया था, ये देखिए, तो ये जो है, अभी मैं साउंड करने जा रहा हूँ। स्क्रीन मिररिंग चल रही है और ये देखिए, इसको उल्टा कर देते हैं, देखा क्या बात है। मैं अपने फोन से कंट्रोल कर सकता हूँ सारा कुछ। तो मेरा फोन एक रिमोट बन गया जो कि आपके टीवी पे पूरा आ रहा है। जेंटलमैन, बहुत ही खास फीचर है, इसमें क्या क्या बताऊं मैं। और अगर आपने गेम खेलनी है तो चलिए मैं आपको गेम खेल के भी दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे बेटे ने काफ़ी सारी गेम्स भरी हुई हैं, तो मैं कोई गेम आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो है मेरा फ़ोन है वो आ गया है, तो टीवी पे आ गया है, तो हम गेम भी खेल सकते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह के मेरे बेटे ने काफ़ी सारी गेम्स भरी हुई हैं, तो बच्चे इस होम थिएटर को काफ़ी पसंद करेंगे। तो ये चलनी कैसे है, बच्चे ज़्यादा जानते हैं। तो ये देखिए, तो कहने का मतलब है आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं। तो जेंटलमैन, इतने फंक्शन इसमें, और नेटफ्लिक्स और USB डेटा CD, और ये ब्लूरे का मज़ा ले सकते हैं, रेडियो और FM, और जेंटलमैन म्यूज़िक में, और यहाँ पे USB में मज़ा ले सकते हैं। USB के फॉर्मेट दो तरह के हैं, गाने के और आपके वीडियो के। तो USB आपकी जो USB में वीडियो होंगी या फिर गाने होंगे वो इस पे चलेंगे। आप इसके साथ कैमरा भी अटैच कर सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, CD में जो डाटा है उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। और जेंटलमैन, समय समय पे ये सॉफ्टवेयर अपडेशन मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं, स्क्रीन की सेटिंग कर सकते हैं। काफ़ी हैं फंक्शन, धीरे धीरे अब थोड़ा जल्दी से देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 4K आउटपुट ले सकते हैं आप, ये देखिए कितना खास फंक्शन है इसमें, 4K आउटपुट है। और जेंटलमैन, ये देखिए कितने सारे और भी अच्छे फंक्शन हैं। उसके बाद ऑडियो सेटिंग में आपको भरपूर फंक्शन मिल जाते हैं, साउंड इफेक्ट, स्पीकर सेटिंग, ऑटो कैलिब्रेशन, माय गॉड, ब्लूरे DVD एंड DVD के ये जो फंक्शन हैं उसमें भी, ये देखिए कितने फंक्शन छिपे हुए हैं। और जेंटलमैन, उम्मीद है थोड़ा जल्दी जल्दी आप पढ़ लें या फिर पॉज करके पढ़ लें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। पेरेंटल कंट्रोल, तो आपका अपना कंट्रोल भी इसमें रहेगा, आप लॉक कर सकते हैं, बच्चों के लिए सेफ्टी है। म्यूज़िक सेटिंग में आप काफ़ी सुपर ऑडियो, CD, DSD, मल्टी, पता नहीं क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। सिस्टम सेटिंग में बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे NFC और बहुत सारे और भी छुपे हुए फंक्शन हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। फंक्शन ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे ले रहे। और डिवाइस नेम जो है, यहाँ से आप मेरे ख्याल से चेंज भी कर सकते हैं। जेंटलमैन, इतने ज़्यादा इसमें फंक्शन दिए गए हैं। तो जेंटलमैन, एक्सटर्नल इनपुट आप ये देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं, इनपुट स्किप सेटिंग, ब्लूटूथ ऑडियो, ब्लूटूथ पावर सेटिंग, पता नहीं इसमें कितने नेटवर्क सेटिंग इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना वाईफाई जो है यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे मेरा वाईफाई ऑलरेडी सेट है, तो मैंने यहाँ पे वायरलेस सेटअप पे जाके आप अपना वाईफाई पासवर्ड लगा के सेट कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी सेट ही है। तो जेंटलमैन, इसमें आपको इतने फंक्शन मिल जाते हैं। ये जो होम थिएटर है ये अपने आप में एक लीजेंडरी सेट है, और जेंटलमैन इसकी जो परफॉर्मेंस है बाग कमाल है। इजी नेटवर्क सेटिंग है, रीसेटिंग है, कमाल का ये जो है होम थिएटर है। और जेंटलमैन, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, लगा के काफ़ी चीज़ें रह गई हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं अब इसकी आउटलुक दिखा देता हूँ 1x1 करके, सो देख लीजिएगा। तो ये है जी एम्प, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए, इट्स ए ट्रू HD Dolby, ओ माय गॉड, ब्लूरे डिस्क, Dolby ट्रू HD, DTS HD, ग्रेस नोट। और जेंटलमैन, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूरे डिस्क होम थिएटर
BDBN9200, यहाँ पे USB लगती है, यहाँ पे आपकी USB लगेगी। इसको थोड़ा सा बाहर को खींचेगा तो जेंटलमैन यहाँ पे USB का पोर्ट दिया गया है। अरे यार एक हाथ से कैमरा और ये देखिए, रुकिए जरा, ये लगता है USB कभी यूज़ ही नहीं की इन्होंने, कभी खोला ही नहीं, इतना टाइट था ये। यहाँ पे USB लगती है और यहाँ पे देखिए डस्ट, मैंने भी नहीं खोला। तो ये बहुत बड़े होटल में लगा हुआ ये सेट था जो कि मैं लेके आया हूँ। तो USB हम बंद कर देते हैं और जेंटलमैन ये देखिए साइड लुक इस तरह की दिखती है और किस तरह से कनेक्टेड है ये देखिए। यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। ये है ग्रीन वाला, ये है बूफर का और ये है फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट का। इस तरह से आप इसमें स्पीकर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको फैन मिल जाएगा जो कूलिंग देता है। और जेंटलमैन यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ अभी देखने वाली है, मैंने जैसे कि बताया कि HDMI आउट, ये देखिए तो टीवी हमारा जो है स्क्रीन बंद हो गई है। ये 4K कंटेंट चलाता है। यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं HDMI 1 HDMI 2 का। यहाँ पे लेन है और यहाँ पे FM का एंटीना है। पतली सी वायर मैंने लगाई हुई थी क्योंकि मुझे पीछे से इसका नहीं मिला है एंटीना, हल्का सा यहाँ पे लगाइए आपका FM चलेगा। ऑक्स इनपुट का है तो नॉर्मल RC केबल भी यहाँ पे लग जाएगी। तो एक ऑल माइक यहाँ पे है और यहाँ पे आपकी ऑप्टिकल इनपुट मिल जाती है। तो इतने सारे फंक्शन जेंटलमैन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद मैं, अरे यार मेरा डाइनिंग टेबल भी बहुत बड़ा है। तो ये है इसका दूसरा एम्प जो कि वायरलेस किट जिसको बोल देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्पीकर लगाए हुए थे, ठीक है जी। और जेंटलमैन चलिए ये मैंने दोनों डिस्कनेक्ट कर लिए हैं तो मैं इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ और धीरे धीरे आपको ये बूफर तो आपने चेक कर ही लिया है, इसको हम रख देते हैं नीचे। और अब आ जाइए इसके सब बूफर पे। तो सब बूफर देखिए कितना बड़ा सब बूफर है, ये देखिए कितना सुंदर शानदार सब बूफर का ये ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पे मिररिंग का काम किया हुआ है, काफ़ी बड़ा डक्ट मिल जाता है इसमें जो बूफर लगा है, काफ़ी बड़ा बूफर लगा है। मेरे ख्याल से 7-7.5 बच गया भाई, हाथ डाल लिया मैंने, अभी कांड हो जाता क्योंकि मैंने सिर्फ खड़े ही रखे हैं। तो जेंटलमैन मैंने ये जो स्पीकर खड़े थे मैंने इसको लिटा लिया है। सो देखिए स्पीकरों की कंडीशन क्या ज़बरदस्त है, बिल्कुल मिररिंग का ग्लास का काम किया हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होल मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 मतलब एक सिंगल में आपको 4-4 स्पीकर मिलेंगे। और स्पीकर ये देखिए कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है, ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये मैं इसमें फिंगरे मार रहा हूँ, ये देखिए और ये निकल आया बाहर। ये पता नहीं कपड़े जैसा लगा हुआ है, पता नहीं क्या सोनी ने लगाया है, ये देखिए क्या शानदार क्वालिटी है। देखिए कितना लाइट मार रहे हैं। और जेंटलमैन ये हैंग हो जाते हैं, डबल हैंगिंग है तो आपको, क्योंकि वजनीय हैं इसलिए सोनी ने डबल ये होल्स दिए गए हैं। जेंटलमैन मैं फिर से बता दूं, इसके जो स्पीकर हैं ये काफ़ी लंबे हैं, करीब 2 फुट लंबे हैं, 2 या 2.5 फुट लंबे हैं। और जेंटलमैन ये हैवी हैं इसलिए कंपनी ने डबल वॉल हैंगिंग होल्स दिए हुए हैं। ये देखिए फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट, सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट। और उसके बाद बारी आती है जी इसके सेंटर की, तो सेंटर देखिए सेंटर में भी आपको डबल होल मिलते हैं, इतना हैवी सेट है ये। जेंटलमैन बूफर देखिए कितना शानदार है, बिल्कुल सॉफ्ट नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल बढ़िया साफ सेट है, ठीक है जी। तो ये मैंने सारा डिस्कनेक्ट करके आपको दिखा दिया है, ठीक है जी। ऑलराइट जेंटलमैन, तो मैंने सारा आपको होम थिएटर का वेरवा दे दिया है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। और जेंटलमैन इनका प्राइस जो है मैं अपने स्क्रीन पे आपको टाइटल में मेंशन करूँगा इसका जो प्राइस है, ठीक है जी।
तो आप वहाँ से प्राइस देख के आप ये होम थिएटर बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जेंटलमैन काफ़ी शानदार सेट है, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा, मुझे रिव्यू करके बड़ा मज़ा आया। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि इस तरह के सेट जो मेरे पास आते हैं, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इनमें बताता हूँ तो खुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि बड़े पावरफुल सेट होते हैं। और जेंटलमैन काफ़ी महंगा आता था, अभी भी आप देख लें तो इनका प्राइस 62,000 है, 62,000 इसका जो है प्राइस आपको दिख रहा होगा। बंद हो गया ये सेट, ठीक है जी, लेकिन अभी भी बहुत ही पावरफुल और जेंटलमैन पसंद करने वालों की तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है इस सेट की, क्योंकि BDV 9200 है। तो जेंटलमैन कमाल का अपने आप में लेजेंडरी सेट है, और प्राइस में आपको स्क्रीन पे आपको टाइटल में नज़र आएगा, तो आप देख लेना जी। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, इतनी लंबी आपने वीडियो देखी, बने रहे मेरे साथ, और उसके लिए शुक्रिया है आपका। और हमेशा की तरह आप हंसते मुस्कुराते खुश रहें, गुनगुनाते तंदुरुस्त रहें, यही दुआ है मेरी। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।